रमशा नहीं जिसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका इंतकाल हो गया। कहाँ है सिद्रा? जाहिर सी बात है वहीं होगी। मुझे तो कह रही थी कि आप आ जाएं, आपके साथ ही वापस जाऊंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। हकीकत यह है कि रमशा के हम पे बहुत एहसान आता है, ये घर भी तो उसी का दिया हुआ है। तो मैं यही कह रहा था कि सिद्रा को चाहिए वहीं रुक जाए और उनकी दिलजोई करे। मुझे क्यों लग रहा है कि हारून ने ये सब झूठ बोला है, ये सब एक कहानी बनाई है इसने, और नीलू को भी पागल बनाया ताकि वो मुझे सब कुछ बता दे परेशान होकर। अजान बाबा बोलो क्या हुआ? वो आपको नीचे बुला रहे हैं खाने के लिए। कौन बुला रहा है? सब बुला रहे हैं, खास करके आपके पापा। उनसे बोल दो मैं नहीं आ रहा, मुझे भूख नहीं है। वो कह रहे हैं भले आपको भूख नहीं है लेकिन आपको नीचे खाने की टेबल पे आना हो। जितना बोला जाए उतना करो, अब जाओ यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब मी। अम्मा नब्बो बोल रही हूँ। तुझे मेरी याद नहीं आती अम्मा? नीलों की तरह मैं भी तुम्हारी बेटी ही हूँ, कभी याद ही कर लिया करो। अरे क्या करूँ तुझे फोन करके, तुझे जब फोन करो तू मुझे उल्टा जली कटी सुनाने बैठ जाती है। अम्मा अब वही बताऊंगी ना जो मुझ पे बीत रही है। दोजख में रह के जन्नत में रहने की बात तो करने से रही। अच्छा चल बता मुझे कि क्या बात है, क्यों फोन किया है मुझे? वो अम्मा एक बात तो बता, ये क्या मैं फोन सिर्फ काम के लिए ही करती हूँ क्या? अब तक तो ऐसा ही होता आया था भाई। अम्मा देख मेरी बात सुन, बुरा ना मनाना, ऐ तो बहुत रूखी औरत। ए नब्बो जरा होश में रह के बात किया कर मुझसे। गजे की तरह जबान चलती है तेरी। अरे जब तू मुझसे इस लहजे में बात कर रही है तो अपनी सौतन का तो तूने जीना हराम कर रखा होगा। अम्मा ये बेकार की बातें सुनने का ना मेरे पास टाइम नहीं है। बात सुन, वो जो 10,000 दिए थे ना वो वापस चाहिए मुझे, एक बहुत ही जरूरत पेश आ गई है मुझे। नब्बो तू भी कान खोल कर सुन ले, और मैंने तुझे पहले भी कहा था जब मेरी बीसी खुलेगी ना तब तुझे दे दूंगी पैसे। भाई अभी नहीं है मेरे पास। अब ये बार बार तकाजे करके ना तू मेरे सर में दर्द मत कर। अम्मा वो पैसे चाहिए मुझे, देख तू अच्छा नहीं कर रही। अम्मा देख नब्बो मैं माँ हूँ तेरी, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। यकीनन तुझे उस मनुष्य बाबे को पैसे देने होंगे जो तुझे चूना लगा रहा है इतने दिनों से। देख अम्मा मुझे जो कहना है कह ले, बाबा को कुछ मत कहना। देख नब्बो मैं तुझे समझा रही हूँ, अभी भी वक्त है संभल जा। अरे ऐसे लोग सिर्फ नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ फायदा नहीं देते। अम्मा नब्बो अपना ख्याल रखना जानती है, खुदा हाफिज। अरे सुन तो, अरे सुन बखत जो लड़की अपनी माँ की बात मान ले, कभी नहीं मानेगी। बहुत अल्लाह जाने अम्मा को क्या हो गया, अपनी बेटी को छोड़कर इस चुड़ैल की तरफदारी कर रही है। अम्मा अम्मी तुझे कैसे समझाऊं, तेरी नब्बो की जान खतरे में है, इस डायन ने काला जादू कर रखा है मुझ पे। यार वो हारून मैं ये बोल रही थी कि आप मुझे ना सच सच बता दें। क्या क्या सच बताऊं? वो हारून देखें अगर आपने वो पैसे कहीं खर्च कर दिए तो मुझे तो कम से कम बता दें, आखिर को मैं तो आपकी बीवी हूं ना। दिमाग खराब है तुम्हारा, किस तरह की फजूल बातें किए जा रही हो? मैं किसी से कुछ बोल तो नहीं रही हूँ। क्या मतलब, और तुमने ये सोचा भी कैसे? क्या तुम मुझे इतना घटिया समझती हो? नहीं नहीं हारून मैं तो बस सिर्फ जानना चाह रही थी कि आखिर बात क्या है। बड़े अफसोस की बात है नीलो, मेरे जेल से आने के बाद ना अब तुम मुझ पे शक भी करने लगी हो, यकीनन तुम्हारे किसी ने कान भरे होंगे।
नहीं बस अब आपने कह दिया है ना, मैंने आपकी बात पे पूरा यकीन कर लिया है, बस अब मैं और कोई बात नहीं करूंगी। देखो नीलो, तुम घर पर होती और मैं बाहर होता हूँ, तुमसे ज्यादा परेशान हूँ मैं। जैसे तैसे करके मैं तुम लोगों के पैसे दे दूंगा, रोज रोज के ताने बर्दाश्त नहीं होते तुम लोगों के। नहीं नहीं हारून, मेरा हरगिज भी ये मतलब नहीं था, आप गलत नहीं समझे। चाय बना दी? बैठो। मानूर बीबी, ये अजान बाबा इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? तुम्हें कैसे पता चला कि वो गुस्सा कर रहा था? वो आप उनके कमरे में गई तो मैं आपके पीछे आई थी आपको बुलाने के लिए, तो मुझे आवाज आई फिर मैं वापस चली गई। तुम हमारी बातें छुप छुप कर सुनती हो? अरे नहीं, मेरी क्या मजाल मानूर बीबी, वो तो मैं आपको बुलाने आई थी। अच्छा ठीक है, दरअसल शिजाबाजी अजान को बोर्डिंग स्कूल में डाल रही, बस इसी बात से खफा हो गया वो। क्या वो फिर चले जाएंगे? फिर से मतलब? वो बचपन से वहीं रहते हैं जिस जगह का आपने नाम लिया, इसी वजह से इतनी नफरत है उन्हें उस जगह से। ओ, तो ये वजह है कि वो इतना नाराज और खफा रहने लग गया, फिर तो वाकई सही नाराज है वो। खैर चाय तो अच्छी बनाई है तुमने। तुझे अंदाजा हो गया औरतों से कितना मुश्किल है पैसा निकलवाना? इतनी दफा कह चुका हूं कि ऐसी औरतों के घरों की टो लेकर रखा करो, लेकिन तू है कि तेरे कान पे जूनी रिंग थी। आसान कोई है किसी से पैसे निकलवाना और औरतों से? अगर तू ये सब काम करे तो हमें मुश्किल ना हो इतनी इनके बटवे से पैसे निकलवाने की। किसी काम के नहीं रहे, मुझसे भी अदाकारी। ले इसको भी रख उठा के और पैसे गिन लूं किसने देकर गई है। ये लोग तो मेरे नौकरी के पीछे ही पड़ गए, जब देखो यही बात, इसके सिवा इन औरतों के पास कोई और बात नहीं। अब खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो मैं क्या करूं? रही सही कसर कीटों ने पूरी कर ली। आज ही चिन्ने थे, अब ये नई मुसीबत ना गले पड़ गए। इससे अच्छा तो मैं जेल में था, इन सब की बातें और रोज रोज के फजूल मसलों से बचा हुआ तो था। कुछ सोचना पड़ेगा, इन लोगों से किस तरह छुटकारा मिलेगा। रोज रोज की चिक चिक, दिमाग खराब हो गया है। अगर वो मनोज रिजन धोखेबाजी ना करता तो आज मैं सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूं। सब दर्द तुझे अल्लाह समझे। और उस नीलो को देखो, मुझसे कह रही है कि अगर पैसे खर्च कर दिए तो मुझे बता दो। बड़ी अकलमंदी वाली बातें कर, मुझ पर शक कर। सब जानता हूं कि ये सब पट्टियां उसकी अम्मा पढ़ा रही, वरना उस कम अकल में इतनी अकल समझ कहां से आ गई जो वो इस तरह की बातें करे। कौन? जी मैं मिन्हाज। मिन्हाज आओ। हाँ क्या बात है, आज मेरी बहन बहुत उदास लग रही है। हाँ उदास तो हूँ मैं, वो ना मिन्हाज मुझे ना कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। इतनी सी बात, कितने पैसे? 10,000 की जरूरत है, मैं ना बहुत जल्दी लौटा दूंगी। और ना वो क्या हुआ, तो सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं आ गया, वरना आप तो शायद मुझसे कहती भी नहीं। बोला कैसे बोलती, अपनों से मांगे तो इनकार कर दिया। मैंने सोचा गैरों से मांगू
हिचकिचाहट हो रही थी ना मुझे। देखें आप मेरी बहन हैं और बहनें भाइयों से मांगते हुए शर्माती नहीं। मैंने तुम कितने अच्छे हो, इस वक्त तुम मेरे लिए फरिश्ता बन के आ रहे हो, ना जाने मेरा क्या होता। सब खैरियत है। खबरदार, जो इस बात की किसी को कानो कान खबर भी हुई। हाँ हाँ, सब खैरियत है, कुछ मसला भी नहीं है। वो ना, मैंने ना जाना था, तुम फिर आना, ठीक है? आपने मुझे बताया नहीं कि मसला क्या है। अरे कोई बात नहीं है ना, जाओ तुम, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय। हाँ ठीक है, पहले मैं अपनी ईमेल जरा रीड कर लूँ, उसके बाद फर्दर फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ऑलराइट, फिर बात होती है, बाय। खुर्रम, क्या तुम्हारी तैयबा से बात हुई? नहीं तो, जरूरत ही नहीं पड़ी। बात जरूरत की नहीं खुर्रम, बात जिम्मेदारी की है। और हमारी कंपनी ने उसे जिस प्रोजेक्ट के लिए भेजा है, तुम्हें रोज उससे अपडेट लेनी चाहिए। और तैयबा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। आप मुझे पहले बता दे तो मैं कुछ करता ना। चले ठीक है, अब मैं कॉल करता हूँ, फिर बात करता हूँ उनसे। और हाँ खुर्रम, उसे एक बात अच्छी तरह समझा देना, अगर उस प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो तुमसे और महाम से फौरन कॉन्टेक्ट करे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, वैसे ही मैंने हर चीज खुद संभाल ली। और हाँ, महाम को मैंने सारी चीजें हैंड ओवर भी कर दी थी, तो आप टेंशन फ्री हो जाए। महाम काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये तो है, ये लड़की काफी आगे जाएगी, बस थोड़ा ग्रूम होने की जरूरत है। ये तो ठीक कह रहे हैं आप। अरे भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। हारून है घर पे? है, मगर आपको कोई काम है। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे हारून मेरा दोस्त है, उससे मिलने के लिए कोई काम की जरूरत थोड़ी होती है। वैसे है कहाँ वो? बता तो रही हूँ आपको, सो रहे हैं वो, जब उठेंगे तो बता दूंगी कि आप आए थे। अच्छा चलें ठीक है। वो ऐसे भाभी, खाला नजर नहीं आ रही, क्या वो भी सो रही है? तबीयत ठीक नहीं है अम्मा की। अरे क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है, अब आप जाइए, मैं बता दूंगी उनको भी। अरे भाभी, आप तो बड़ी बेमुर्रवत निकली, अब चाय वाय का भी नहीं पूछेंगी आप? वो असल में ना, हमारे घर में चाय की पत्ती भी खत्म हो गई और दूध भी खत्म हो गया। अरे रे 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 रे, तो इसमें क्या मसला है भाभी? चाय की पत्ती दूध में ले आता हूँ ना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद मंगा लेंगे, आप जाएं बस। अरे भाभी चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, चाय नहीं पिलाना चाह रही तो, या चाय की पत्ती है नहीं आपके पास, चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। हारून को बता दिएगा मेरा, ठीक है? अरे प्यारों के कहाँ जा रही हो तुम? साथ तुम इतनी जल्दी आ गए? नबू, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हाँ वो मैं पार्लर जा रही हूँ। पार्लर? वो किस लिए? मैं अपने बनाव सिंगार के लिए थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो वहाँ मुलाजमत का पता करने जा रही हूँ, कोई जगह खाली हो तो मुझे रख ले। आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ सादत, मैं हाथ बटाना चाहती हूँ, तुम्हारी उस मलका जैसी नहीं हूँ जिसे शॉपिंग करने के अलावा और घर बैठने के अलावा कोई काम नहीं है। नब्बो, तुम सच में जॉब करना चाह रही हो? हाँ हाँ, जॉब करना चाहती हूँ मैं। मैं जाऊँ? जाओ, मैं रुकूंगा नहीं। मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ नब्बो, तुम भी कोई आठवीं अजूबे से कम नहीं हो।
बैठो। वो हारून, मैं आपसे ये कह रही थी कि कुछ पैसों का इंतजाम हुआ, अब सिर्फ एक ही दिन बचा है बाकी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कहां से मैं इंतजाम करूं पैसों का? या मेरे पास कोई दरख्त लगे हुए, मैं जाकर तोड़ के ले आऊं फौरन से? हारून, पैसे दरख्तों पे थोड़ी लगते हैं जो आप तोड़ के ले आएंगे। देखो नीलो, मुझसे ये पागलों वाली बातें मत किया करो। पहले से मैं बहुत परेशान हूँ, और मजीद मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। मेरे पास ना एक आइडिया आया जिससे ना पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अब तुम मुझे आइडिया दोगी? इतना दिमाग है तुम्हारे पास? मेरी बात तो सुन लेना आप। हाँ बोलो, यकीनन कोई फजूली बात होगी। नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी हारून कि वो राजा भाई है ना, उनके पास हमारे पैसे हैं जो हमने उनको दिए थे, आप उनसे वापस क्यों नहीं ले लेते? आप बात तो करके देखे ना राजा भाई से। उठो उठो, जाओ यहां से, और दोबारा ये बात मत बोलना मुझे। राजा की सगी, सारा मूड खराब कर दिया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का बंदोबस्त होगा कहां से, कोई जरिया नहीं नजर आ रहा मुझे। अच्छा ना अम्मा, तुम परेशान नहीं हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू तो छुपी रहा कर, देख लिया ना तुम, जिस तरह से पैसे आए थे उसी तरह से चले गए। अरे एक जिम्मेदारी डाली थी, वो भी सही से नहीं उठाई, और गले पड़ गई हमारी वो जिम्मेदारी। भाई अम्मा, मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, एक ही तो गलती की है मैंने, सौ सौ बातें तुम मुझे सुना रही हो, क्या जान दे दूं अपनी मैं? हाँ, इन फजूल बातों के अलावा तुझे कुछ आता भी है? मैंने ये सब कुछ जानकर तो नहीं किया था ना, जो तुम मुझे इतनी बातें सुना रही हो, मैं तो नेकी का काम किया था, मुझे क्या पता ये सब कुछ हो जाएगा। तो फिर किसे सुनाऊं, मोहल्ले वालों को? लो, मुझे तो औलाद की तरफ से अब कभी जिंदगी में कोई सुख नसीब नहीं होगा। अम्मा देखो, ऐसी बातें तो नहीं करो ना। इसके अलावा रह क्या गया मेरी जिंदगी में सिवाय दुख के, पछतावे के और परेशानी के? मेरी जिंदगी में है क्या? अच्छा मैं ना तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ, अगर हो सके तो उसमें जहर मिला दियो। नहीं ना अम्मा, मैं अभी आती हूँ। क्या करूँ मेरे अल्लाह। इतनी सुबह हो गई है, हसन तो सो रहे हैं, मैं भी ना इनकी नींद खराब करूंगी। इस वक्त नहीं, थोड़ी देर के बाद बात करूंगी। से बाहर ऐसा ख्वाब क्यों आया मुझे? ये ख्वाब, इसकी ताबीर क्या हो सकती है? कहीं ये मुदस्सिर या इसके बंदे तो नहीं? वो मेरे हसन को मुझसे दूर ना कर दे, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये अच्छा ख्वाब नहीं, मैं क्या करूं? लेकिन कल ही तो मेरी हसन से बात हुई, वो तो सारी तैयारी कर रहे। मैं क्यों बुरा बुरा सोच रही हूँ? जरूरी तो नहीं इस ख्वाब की कोई ताबीर हो। वैसे भी ये मेरा खौफ है जो मुदस्सिर के इस घर में आने की वजह से और बढ़ गया। हाँ, इसीलिए मुझे इसका ख्वाब नजर आया।
कितनी मुश्किलों से हमने कहीं ना कहीं से जमा करके पैसे दिए थे हारून को कि बिजली का बिल भर दे। 4 महीनों का बिल था वो, और उसे उसे डाकुओं ने लूट लिया। रोता धोता घर वापस आ गया। अब बता मैं कहां से दोबारा से इतने पैसे लाऊंगी जो मैं उसे दूं। अब तो बेटा तेरा ही आसरा है, अल्लाह के बाद तू ही हमारी मदद करेगा। रात से दिन को निचोड़े।